राम राम जी आप सबको, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज देखो आपको ये छोटा डिजाइन है, जाड़ी वाला है, ये बना के दिखाऊंगी मैं आपको। बिल्कुल आसान बनेगा ये, जेंट स्वेटर लेडीज कार्डिगन के लिए है। अगर आपने मफलर में डालना है, फ्रॉक में डालना है, तो उसमें भी अच्छा लगेगा ये डिजाइन। एक डिजाइन ये 7 फंदे का बनेगा, बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई बनाया है, पहली तो बना के दिखाऊंगी आपको। दोनों कोने पे एक एक फंदा उल्टा उतार रही हूँ मैं, ये सिलाई के लिए है। अगर आपने सीधा बनाना सीधा बना लो, नहीं उतारना है ना उतारो, आपकी मर्जी है। आगे फिर 3 फंदे सीधे, आगे 4 फंदे का डिजाइन डालना हमने। 3 फंदे सीधे, फिर जाली बना के ऐसे लपेट के जाली बना ली, ये फंदा हमने ऐसे पलट लिया, जाली बना के 2 का 1, पीछे की साइड 2 का 1, जाली बना के 2 का 1, पहले फंदा बढ़ा दिया, फिर फंदा घटा दिया, फिर आगे 2 का 1 आगे की साइड, ये फंदा घटा दिया हमने, और फिर ये फंदा हमने ऐसे लपेट के बढ़ा दिया। ये वाला फंदा हमने पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, ये वाला फंदा हमने पहले घटा दिया फिर बढ़ा दिया, 2 फंदे घटाए हैं, 2 ही फंदे बढ़ा दिए। अब ये 7 फंदे हो गए। 3 फंदे सीधे जाली बना के 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर जाली लपेट के जाली बना दी। अब यही 7-7 फंदे बनाने हैं हमने। आगे फिर जैसे ये 3 फंदे बनाए थे सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर ऐसे लपेट के जाली बना ली, 2 का 1 कर देंगे, पीछे की साइड 2 का 1, फिर आगे की साइड 2 का 1, और लपेट के ऐसे जाली बना दी। अब 2 डिजाइन हो गए यहाँ तक हमारे। फिर आगे 3 फंदे सीधे, फिर लपेट के जाली बना ली, 2 का 1 पीछे की साइड, फिर आगे की साइड 2 का 1, फिर लपेट के जाली बना दी। फिर आगे अगला डिजाइन, 3 फंदे सीधे, फिर लपेट के जाली बना ली, पीछे की साइड 2 का 1, फिर आगे की साइड 2 का 1, और लपेट के जाली बना ली। अब हमारे 4 डिजाइन हो गए यहाँ तक पूरे। अब आगे 3 फंदे सीधे, ये फंदे हमने डिजाइन को सेट करने के लिए, यहाँ तक डिजाइन सेट हो गया, और ये 3 फंदे हमने ज़्यादा रखने हैं। यहाँ भी हमारे 3 फंदे सीधे आ गए, यहाँ भी हमारे 3 फंदे सीधे आ गए। अगर इस तरफ 3 फंदे हम ज़्यादा नहीं लेंगे तो ये डिजाइन आएगा कोने पर, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये डिजाइन को सेट करने के लिए दोनों तरफ 3-3 फंदे हो गए, ये फंदे हमारे डिजाइन से ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा रखने हैं हमने। और एक फंदा फिर उल्टा कोने वाला, ये जो दोनों कोने पर उल्टा बना रही हूँ, दोनों सिलाई में उल्टा बनाऊँगी मैं इसको। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टा इसलिए बनाऊँगा हमारा पल्ला नहीं मुड़ेगा, फिर उल्टा बनाने तक दोनों कोने पर पल्ला सीधा रहेगा। अब आगे 3 फंदे थे जो, ये उल्टे बना दिए। आगे 4 फंदे डिजाइन के आगे, इनको हमने किस तरह बनाना है चारों को। पहले ये जाली है, 2 फंदे ये जो 2 का 1 ये कराया था, 2 का 1 ये कराया था, ये जाली बनाई थी। ये दोनों एक ये पहले वाला और ये चौथे नंबर वाला, दोनों जाली के फंदे देखो पता लग रहा है। अब ये फंदा हमें उल्टा बना देंगे जाली वाला। अब जो ये 2 बीच के बच गए, इनमें से हम ये वाला फंदा पहले बना लेंगे यूँ, एक के पीछे से तो आसानी से बना सका हम यूँ, डले डले 2-1 बना लिया पहले, फिर ये बना लिया। अब ये दोनों फंदे निकाल दिए। अब ये वाला जाली का ये भी हमने बना लिया। अब ये 7 फंदे हो गए, 3 फंदे उल्टे, जाली वाला उल्टा बना लिया, फिर ये 2 फंदे पलट के बना दिए, फिर ये फंदा हमने जाली वाला है ये भी उल्टा बना दिया। अब सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, बस जो फंदे हमने 2 का 1 2 का 1 कराया था वो फंदे हमने पलट के बनाने हैं। सिलाई ये उल्टी उतरेगी पूरी, दूसरी सिलाई। अब ये देखो जाली वाला है ये उल्टा बना लिया, ये भी जाली वाला ये भी उल्टा बना लेंगे। ये 2 फंदे हमने देखो 2 का 1 ये कराया था, 2 का 1 ये कराया था, ये फंदा हमें पहले बना लेंगे, फिर ये बना देंगे, फिर ये जाली वाला उल्टा बना लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला फंदा उल्टा,
और ये दो फंदे, ये वाला फंदा पहले बना देंगे और ये फंदा हमें बाद में बना देंगे, दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। आप निकाल के बनाओ तो निकाल के बना लो, एक फंदे के पीछे तो वैसे भी आसानी से बना है ये डिजाइन, अगर निकालना चाहो तो निकाल कर भी बना लो आप, जैसे ये यूं पलट के बना लो। यूं पलटने में कई बार क्या होता है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगा है और फंदा भी हमारा नीचे गिरने का डर रहा है। अब आगे ये तीन फंदे जो ये उल्टे बना देंगे, कोने वाला भी उल्टा बना देंगे। अब आगे तीसरी सिलाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है डिजाइन, रेडीमेड जैसा लगेगा बिल्कुल है। कोने वाला फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे। अब ये तीसरी सिलाई आ गई। अब आगे हमने आगे की साइड, पहले तो हमने पीछे की साइड तो बनाए थे दो फंदे, अब ये फंदे हमने आगे की साइड से दो का एक करना है। फिर यहाँ दो जाली लपेट देंगे, एक दो, दो फंदे बढ़ा दिए और ये फंदा हमने ऐसे पलट के पीछे की साइड दो का एक करना है। अब ये सात फंदे बनाने हैं हमने, तीन फंदे सीधे, दो का एक आगे की साइड, दो बार लपेट के जाली बना दी, दो फंदे बढ़ा दिए मतलब एक ही बार में, और फिर पीछे की साइड दो का एक। अब अगला डिजाइन, तीन फंदे सीधे, अब आगे, अब ये चार फंदे डिजाइन के हैं, इन पर डिजाइन डालना हमने, दो का एक कर देंगे आगे की साइड, फिर एक दो, दो फंदे इकट्ठे बढ़ा दिए यहाँ, और ये दो फंदे बच गए जो, इनको पीछे की साइड दो का एक कर देंगे। दो डिजाइन हो गए। अब तीसरा डिजाइन, तीन फंदे सीधे, फिर आगे की साइड दो का एक, फिर दो फंदे बढ़ा देंगे, एक दो, फिर पीछे की साइड दो का एक, फिर एक दो तीन, फिर आगे की साइड दो का एक, फिर एक दो, दो का एक, फिर आगे एक दो तीन फंदे सीधे, ये वाला फंदा उल्टा। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं हमने चौथी सिलाई में, बस जो दो बार लपेट के बनाए, देखो ये आगे दो बार लपेट के, ये किस तरह बनाने हैं, एक फंदा तो हम यहाँ तक बना देंगे, ये बना दिया, ये फिर उतार दिया, एक फंदा हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक नहीं बनाना, यहाँ तक बनाएंगे। अब ये इस तरह बनेगा, फिर आगे सारे फंदे यूँ उल्टे बना के, अब ये दो फंदे आगे जाली वाले, एक यहाँ तक बना दिया, ये उतार दिया, फिर एक फंदा यहाँ तक बना दिया। अब जाली वाले दो फंदे आगे, एक को यहाँ तक बना देंगे, फिर एक को यहाँ तक बनाएंगे। बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनाया हुआ भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो उल्टी साइड का इस तरह दिखाई देगा ये, और सीधी साइड का इस तरह दिखाई देगा। देखो अगर आपने इस जगह मैं तीन रख रही हूँ, दो रखना चाहो तीन दो रख लो, तीन रखना चाहो तीन, चार पांच कितने रख लो बीच बीच में, ये फंदे वो आपकी मर्जी है, एक रखना चाहो एक रख लो, छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हो। अब ये चार चार सिलाई हमने बार बार बनानी है। अब देखो आगे फिर पहली सिलाई तो फिर शुरू कर लेंगे। पहली सिलाई एक बार बना के दिखाऊं किस तरह बनाई थी। तीन फंदे सीधे, लपेट के जाली बना ली, ऐसे फंदा पलट के दो का एक, फिर आगे की साइड दो का एक और लपेट के जाली बना दी। अब यही सात फंदे बनाने हमने बार बार पूरी सिलाई में।